जो चीन कभी भारत पर अपनी हेकड़ी जमाया करता था, उसी चीन के बॉर्डर के पास सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट के उद्घाटन की ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो रही हैं। पाक्यांग एयरपोर्ट के खुलते ही आपको भी गर्व होगा, क्रिकेट के मैदान में लोग सेंचुरी लगाते हैं, आज हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगाई है। यानी कि ये एयरपोर्ट खुलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में 100 एयरपोर्ट्स काम करने लग गए हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी को पहुंचते देख जिस अंदाज में यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया, उसी से साबित हो जाता है कि पूरा सिक्किम उन्हें कितना और क्यों प्यार करता है। यही है सिक्किम का पहला और भारत का 100वां एयरपोर्ट, जो कि भारत चीन सीमा से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गैंगटोक से इसकी दूरी 33 किलोमीटर है। पाक्योंग एयरपोर्ट समुद्र तल से 4,500 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये कुल 206 एकड़ जमीन पर फैला है। पहाड़ी इलाके में होने की वजह से इसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की मिट्टी में एयरपोर्ट की जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी किए गए हैं। इसके निर्माण पर लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 4 अक्टूबर से इस एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू हो जाएगी। सिक्किम के लोगों को न केवल ये एयरपोर्ट समूचे भारत से जोड़ेगा, बल्कि वहां के लोगों की तमाम दूसरी जरूरतों को भी पूरा करेगा। वहां के विकास की तस्वीर को भी बदल देगा।